हाई माई ब्यूटिफुल कैंसर एंड वेलकम टू फ्लोरल थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया uh, है पे क्लिक करो हाईवेज और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस ओके कैंसर आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा आज हम पता लगाने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहता है जुलाई से लेके डिसक पॉपुलर डिमांड पे जी हाँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड ये वीडियो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एजुकेशन जॉब बिजनेस तो आप तीनों तीन ही फील्ड होते हैं तो तीनों फील्ड में आप जिस भी फील्ड में हो आप उस टाइम पे को जाके क्लिक करो और अपना वीडियो देखना स्टार्ट कर दो ओके कैंसर सो हाई कैंसर जो लोग एजुकेशन है जो लोग एजुकेशन फील्ड में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वेलकम लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है क्या क्या हो सकता है जुलाई से दिसंबर तक लेट्स गेट स्टार्ट इट ओके लेट्स कट द यू फोर ऑफ ओके एक सेकेंड कार्ड गिर गया वन सेकेंड एट ऑफ एंड यू वो थ्री ओ ओके वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी कैंसर जो लोग uh, पढ़ाई कर रहे हैं वाओ वाओ कैंसर स्टार्टिंग में मैं एक चीज बता देती हूँ जो लोग अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं जब एक अब्रॉड के कॉलेज में एडमिशन लेने की या अब्रॉड में पढ़ाई करने की या आप लोग बहुत एग्जाम्स होते हैं राइट आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई करते हुए दिख रहे हो और आप लोग जा रहे हो कनेडा आप लोग जा रहे हो अब्रॉड या ऑस्ट्रेलिया या वट्स कंट्री तो मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कैंसर की आप लोग अपनी पढ़ाई अब्रॉड में जाते हुए करते हुए दिख रहे हो आप लोग अपनी फर्दर स्टडीज डेफिनेटली पढ़ाई अपने दूसरे या तो दूसरी कंट्री दिस इज दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ अनदर कंट्री या तो दूसरे शहर में अगर आप शायद दिल्ली में रहते हो अगर आपको पढ़ाई है, हैदराबाद में या डेली में uh, हैदराबाद में या बैंगलोर में करनी थी सो तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप वहां जाते हुए दिख रहे हो सो आई एम सींग चेंज ऑफ लोकेशन फी यू कैंसर बहुत लोग की लोकेशन सिटी चेंज होते हुए दिख रहा है फॉर श्योर सनाओ so uh, यार कैंसर uh, मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपका कमिंग सिक्स मंथ्स मेरे हिसाब से अगर आपने पास्ट में एग्जाम दे रखे थे तो और अगर आप अभी वेट कर रहे हो रिज़ल्ट का कि क्या मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं क्या मैं सक्सेसफुली मुझे वो कॉलेज या मुझे वो सीट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सीट मिलेगी द आंसर इज़ अ बिग येस्ट आई एम सींग विक्ट्री आई एम सींग सेलिब्रेशन फर यू जो अगर पास्ट में आपने एग्जाम आपने मेहनत दी थी उसका सेलिब्रेशन उसकी विक्ट्री आप आप करते हुए दिख रहेफाई करता है कि आप लोग आप लोग कुछ तो सेलिब्रेट करो मेरे हिसाब से आपके मम्मी पापा आ, आ, पहले भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे फिर आपको मिठाई खिलाएंगे और कहेंगे यार आपने तो मेरा यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड कैंसर आप अपने मम्मी पापा को बहुत खुश करते हुए दिख रहे हो मेरे हिसाब से आपने पास में बहुत मेहनत की और आई एम सीइंग इन द कमिंग सिक्स मंथ्स अगर आपका कोई एग्जाम है और अगर उसका रिजल्ट निकलना इन द कमिंग सिक्स मंथ्स आप उसमें डेफिनेटली क्वालिफाई होते हुए दिख रहे हो वेरी गुड मार्क्स एक्चुअली तो जितनी भी मेहनत की है कैंसर आपको उसका फल मिलते हुए दिख रहा है मीठा इंजॉय करोगे सेलिब्रेट करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो रिजल्ट यू आर गोइंग टू गवर्नमेंट एग्जाम एज वेल या गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी कॉलेज का अगर आप एडमीट एडवांस जेई एडवांस कैट वो एग्जाम आप उसमें क्वालिफाई करते हुए दिख रहे हो फॉर श्योर sure.

ही जो समझ के आई डोंट नो वो जिनको रट के पेपर देना है उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती बट आपको आप जिस फील्ड में हो आप जिस आप जिस एजुकेशन में हो आप पैशनेट हो अगर आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ ले न्यूटन लॉ का या कोई भी बॉटनी का जूलॉजी का क्वेश्चन कुछ भी या कॉमर्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स रिलेटेड वट्स आप उसका जवाब दोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सो वही दिख रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल नॉलेज लेवल बहुत अच्छा बहुत कैंसर जितना मुझे दिख रहा है आप लोग को पढ़ने का शौक है मेरा तो पढ़ने का शौक शौक क्लास टेंथ के बाद से बट आपका मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोगों को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है आई लव रीडिंग इन ऑल दैट बट आप लोग को पढ़ने का शौक है एजुकेशन का शौक है और जिनको पढ़ने का शौक होता है आप सक्सेसफुल होना तो भाई इज द सेकेंड थिंग हो गए सक्सेसफुल विद्री ऑफ वनर्जी आप थम नहीं रहे हो आप रुक नहीं रहे हो मेरे हिसाब से तो बहुत ऐसे बच्चे हैं या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग का भले ही एग्जाम खत्म हो गया आपने शायद एक दो दिन मस्ती की रिलैक्स किया चिल किया फिर दो तो अड्डे से आप फिर से पढ़ने बैठ गए थर्ड से फिर से फिर पढ़ने बैठ गए या फिर से न्यूज पढ़ने बैठ गए आपको प, ये तो पढ़ने लिखने वालों की रीडिंग है ये पढ़ने लिखने वालों लोगों की रीडिंग है आप लोगों को पढ़ाई का शौक है मुझे दिख रहा है कि आपका एग्जाम हुआ एक दो दिन आपने रिलैक्स किया चिल उसके बाद आप अपने फर्दर स्टडीज के फर्दर स्टडीज के बारे में पढ़ने बैठ गए योर विजन एंड गोल्स आर सो बिग कैंसर और जितने और मैं यही बोलूंगी कि आप बड़ा सोचिए क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड लाइफ सच अ पावरफुल एनर्जीज फॉर यू कैंसर मैं तो चाहती हूँ कि जो भी कैंसर मेरा ये वीडियो देख रहे आप पास हो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले आपको आपकी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब मिले आप लोग अब्रॉड जाओ मैं तो बिल्कुल विश कर रही हूँ और क्लेम करो क्लेम लिखना पड़ता है कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपकी लाइफ पे रेजोनेट हो ओके दिस वाज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये होती है बहुत जनरल रीडिंग एंड इफ यू सीरियसली लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल फ्लो रीडर व्यूज ज्यादा आएंगे डेफिनेटली करियर पे मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ओके बाय एंड टेक केयर सो हाई कैंसर जो लोग जॉब कर रहे हैं वेलकम देखते हैं आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक क्या क्या गाइडेंस आती है सो लेट्स गेट स्टार्टेड देखते हैं कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ओके लेट्स कट द डेक हम्म यू गॉट द हैंगमैन क्वीन ऑफ कप्स सेवेन ऑफ स्वूड्स फाइव परे ये फाइव ऑफ स्वूड्स एंड सेवेन ऑफ स्वूड्स बहुत आ रहा जॉब वालों के लिए मुझे एक चीज पता नहीं क्यों एनर्जी आई विद द एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ में आप लोग बहुत घबराते हो कैंसर आप लोग बहुत डरते हो या इज अ लॉट ऑफ फियर इन योर हेड गोइंग ऑन बहुत डरते हो बहुत घबराते हो मेरे हिसाब से तो बहुत कैंसर uh, आप लोग का मन हो गया है कि मुझे जॉब स्विच करनी है मुझे इस कंपनी में नहीं रहना है बट डर रहे हो घबरा रहे हो जॉब स्विच करनी है तो स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स ना व्हाट इज स्टॉपिंग यू कैंसर देर इज अ लॉट ऑफ फियर इन योर हेड मतलब बोलने से चीज़ों चीजों को करने से बहुत घबराते हो सो so, जितनी भी घबराहट नेगेटिविटी फियर्स हैं उसको प्लीज हटाने की कोशिश करो क्या फियर्स है आपको प्लीज मेरे से पर्सनल रीडिंग करो अगर ज्यादा ही कुछ फियर्स है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग ये तो एक जनरल uh, एनर्जीज मुझे आई यार आपका यार आपका ऑफिस बड़ा खराब है महावाहियात ऑफिस महावाहियात वर्किंग एनवायरमेंट में आप काम करते हो कैंसर अब अगर आप लोग बड़े अच्छे अच्छे उसमें उसमें काम करते हो जिसमें अच्छा खाना एंड ऑल okay? इतना, इतना खराब है आप परेशान हो चुके हो मेरे हिसाब से अगर आप सोचो क्या ये ऑफिस पॉलिटिक्स क्या ये और आपका बॉस कितना बेवकूफ किस्म का है बॉस आपका एकदम एकदम वाहियात किस्म का आपका बॉस है

मैं तो बोलूँगी जॉब स्विच करो अगर सोच रहे हो जॉब स्विच करने का प्लीज डेफिनेटली जॉब स्विच करो मुझे यहाँ पे कोई प्रमोशन कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है इस कंपनी में विद क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आप बहुत इंट्यूटिव हो यस yes, कैंसर आप बहुत इंट्यूटिव हो ही कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपकी मदर या आपकी कोई तो फीमेल है इन योर लाइफ जो आपको बोले देर इज अ फीमेल इन योर लाइफ दैट कैन बी योर मदर योर सिस्टर योर फ्रेंड कोई तो फीमेल फिगर है जो आपको कह रही है कि आप इस सिचुएशन से हटो यू डिजर्व समथिंग मच बेटर तो अपनी प्लीज जो फीमेल है उसकी गाइडेंस लो उसकी बात सुनो एंड टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर मेरे हिसाब से कैंसर में एक चीज बताऊं मैं सीरियसली एक चीज बताऊं यू डिजर्व समथिंग यू डिजर्व मच बेटर आप ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट आप इतनी कम सैलरी नहीं डिजर्व करते हो नहीं दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कैंसर कि आप एक्चुअली ना बहुत जेन्युन हो आप ऑनेस्टी से शिद्दत से बहुत मेहनत से काम करते हो बट कहीं ना कहीं वो ही लग रहा है कि आप वही होता है ना प्राइवेट जॉब्स में कि आप इतने सालों से शिद्दत से मेहनत से काम कर रहे हो ऑनेस्ट हो चुपचाप बॉस की डांट खाते हो चुपचाप सब एम्प्लॉय की बकवास झेलते हो तब भी आपको कुछ वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो मूव ऑन करो प्राइवेट जॉब है तो मूव ऑन ही करो अब गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकती सो प्लीज डू वट इज बेस्ट फॉर यू कैंसर जो आपको सही लगे जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो आप प्लीज वो चीज करो कैंसर हैंडमैन की एनर्जी आप स्टक हो आप मेरे हिसाब से इस साल जनवरी से आप सोच रहे हो कि मुझे इस कंपनी से निकलना है निकलना है निकलना है बट तो आप निकल नहीं पा रहे हो सो मूव मूव करो इस, इस रोप को हटाओ उठो मूव ऑन करो मेरे हिसाब से वो दिख रहा है हैंडमैन की एनर्जी में कि आप बहुत आप बहुत स्किलफुल हो आप बहुत स्किलफुल हो बहुत मेहनती हो बहुत नॉलेज है और आपकी इस नॉलेज का स्किल्स का आपकी जो ये कंपनी है वो नहीं समझ पा रही वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रही है तो आप प्लीज मूव ऑन करो और मेरे हिसाब से सेप्टेम्बर एंड तक आपको एक नई जॉब मिल सकती है, अगर आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ओके कैंसर दिस वाज योर रीडिंग बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि बहुत ही जनरल रीडिंग होती है वन मोर थिंग अगर आप प्रमोशन सैलरी हाइक एक्सपेक्ट करो ये कंपनी नहीं देने वाली ये भी दिख रहा है एंड इफ यू सीरियसली लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड व्यूज अच्छा आएंगे मैं और वीडियोज बनाऊंगी करियर रिलेटेड बाय एंड टेक केयर ओके कैंसर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वेलकम लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है सो so, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं देखते हैं कैंसर वॉट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू Mm, cancer business. Let's cut the deck. hmm You got two of swords, nine of pentacles. The very nice queen of wands. Okay. Um, it's for sure. Hai, um, आप लोग के स्पेशली सेप्टेम्बर ऑनवर्ड से आप लोग के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहा है फॉर श्योर कैंसर बहुत पैसे कमाते हुए दिख रहे हो लाइफ आपकी डेफिनेटली अपग्रेड होते हुए दिख रही है मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है टू ऑफ सोर्स के एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ा आप झजकते हो बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेते हो विच इज गुड मेरे हिसाब से आपके कुछ आसपास लोग हैं जो बहुत गलत एडवाइस या गलत गलत एडवाइस देते हैं तो उनसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है रेस्ट मुझे आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है बिजनेस में बहुत प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है प्रॉफिट्स जनरेट करते हुए दिख रहे हो इतना प्रॉफिट्स आप जनरेट करोगे कि आप अपनी बड़ी अच्छे से लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे सेविंग्स भी करोगे इंजॉय भी करोगे एंड लाइफ को अच्छी तरीके से जियोगे भी आप आंसर विद द क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो बिजनेस का गुडविल है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है समाज में लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हुए दिख रहे हैं आपकी बिजनेस की एक रिकगनाइजेशन एक फेम बढ़ते हुए दिख रहा है ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपका इंडिविजुअली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है कैंसर मेरे हिसाब से आपकी जो लाइफ में कोई फीमेल है, है आपकी मदर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं आपकी सिस्टर हो सकती हैं वो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है आने वाले टाइम पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बिजी हो फॉर दैट मैटर ये वुमेन ये कोई भी वुमेन हो सकती है वो आपके बिजनेस में आपको आपके बिजनेस में बहुत ग्रो कर ग्रोथ में मदद कर सकती है आई एम सींग जो भी लेडी है आपकी लाइफ में ना शी इज वेरी क्रिएटिव बहुत क्रिएटिव है और मेरे हिसाब से इनके अंदर बहुत बिजनेस आइडियाज है जो तो जो भी ये बिजनेस आइडियाज़ या जो भी ये सजेशन देना उसको प्लीज सुनना गौर से बिकॉज शी कैन गिव वेरी वेरी मच वैल्यूबल इनपुट्स इन ग्रोइंग योर करियर इन ग्रोइंग योर बिजनेस बहुत बहुत प्यारी है मेरे हिसाब से बहुत लोग जो लोग बिजनेस कर करें कैंसर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो इन द कमिंग सिक्स मंथ्स एंड ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है कोई ब्लॉकेजेस एज सच नहीं दिख रहे मुझे क्लेम करो ये रीडिंग एंड एंड आपकी ब्यूटी लेवल बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर sure. पैसे आते तो ग्लो भी तो आता चेहरे में सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसल बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये होती है जनरल रीडिंग एंड इफ यू लाइक सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोर डारोवीर बाय बाय